हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं, आप समझ चुके होंगे ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही इजी तरीके से आपकी टाइल, आपका फर्श जो भी हो बहुत बढ़िया तरीके से चमका के रख देगा। मात्र आपको सिर्फ एक मिनट में चमका के रख देगा। तो ये जो प्रोडक्ट का नाम है ये रूफ के नाम से आता है, आपको ये दुकान पे कहीं भी मिल जाएगा ये। तो ये बेसिकली जो ये वर्क करता है, इस पे लिखा हुआ है इन्होंने रैपिड एक्शन टाइल एंड सिरेमिक क्लीनर। तो ये जो वैसे टाइल पे काम करता है, बट इसको मैंने फ्लोर पे भी काम किया है तो ये फ्लोर पे भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। क्या है कि फ्लोर हो गया, टाइल हो गई और जो सरफेस होते हैं ना, कॉर्नर होते हैं टाइल के, नीचे के कॉर्नर होते हैं, उस सरफेस पे भी ये काम कर रहा है ये। तो जैसे कि क्या हो जाता है कि कुछ टाइम बाद वो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं स्पॉट्स, और वहां तक क्या होता है कि हमारी पहुंच नहीं पहुंच पाती, कपड़े की भी नहीं पहुंच पाती, और मोस्टली हम लोग नहीं कर पाते साफ उसको उस कॉर्नर तक। तो क्या है कि इस वाले प्रोडक्ट की ये खासियत है कि आप इसको पानी के अंदर भी मिला के लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, डायल्यूट कर सकते हैं, पानी के अंदर डायल्यूट हो जाएगा ये। तो इसके अंदर क्या है कि आपको अपना हाथ बचाते हुए क्या क्या सावधानी रखनी है वो सब मैं बताऊंगा। आपको अपना हाथ बचा के रखना है, ग्लव्स यूज कर सकते हैं आप, नहीं तो आप कोई एक छोटा सा जग वगैरह ले लो या मग्घा ले लो, उसके अंदर पानी डाल के हाफ उसके अंदर पानी डालना है और हाफ डालने के दो ढक्कन इसके डालने हैं। अच्छे से मिलाने के बाद आपके पास जो ब्रश जिससे आप ब्रश करते हो, कोई खराब ब्रश हो तो आप उसको उसके अंदर डिब्बे में डाल के और किनारे को आप थोड़ी देर उसको ऐसे रब करेंगे और छोड़ देंगे। तो 5 मिनट छोड़ने के बाद जब आप उसे कपड़े से साफ करेंगे तो भाई बिल्कुल क्लीन मिलेगा। तो इस चीज प्रोसेस को मैं करके भी दिखाऊंगा आपको क्या है क्या नहीं है। तो पहले थोड़ा सा इस इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं किस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। इन्होंने बोला हुआ है ग्लव्स वगैरह पहनने हैं इसके अंदर, नहीं तो स्किन वगैरह जो हमारी है वो बर्न हो सकती है, जल सकती है। वॉश करने हैं हाथ को जैसे ही आप इसको यूज करेंगे, उसके बाद आपको हाथ भी वॉश करने हैं, नहीं तो कुछ केमिकल है इसके अंदर वो भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आजकल सभी के अंदर केमिकल आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इसको बच्चों से दूर रखना है आपको, ये बच्चों को रिकमेंड नहीं करना इसे किसी भी तरीके से यूज करने में। और जो भी अच्छे जो भी आपके डस्ट वाले एरिया है वहां पे आप इसको अप्लाई करा सकते हैं। सब इसमें डाइल्यूट लिखा हुआ, डाइल्यूट करना है इसके अंदर आपको पानी के अंदर, और 5 मिनट इसको छोड़ना है आपको, 5 मिनट छोड़ना है। और उससे पहले जब आप जिस सरफेस पे लगाएं तो पहले उस सरफेस को देख लो कि वो सरफेस गंदा है कैसा है, उसको आप साफ करने की कोशिश करें नॉर्मल कपड़े से, अगर आप इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि कैसा साफ होता है, और उसके बाद आप इसको अप्लाई करने के बाद देखें रिजल्ट कितना बढ़िया है। तो ये जो प्रोडक्ट जितने का मुझे मिला है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेन ब्यूटी ऑफ टाइल, मतलब टाइल की सुंदरता को बनाए रखेगा ये, कैन बी डाइल्यूट इन वाटर और रिमूव स्टेंस, सब निकाल देगा ये। तो ये जो प्रोडक्ट है वैसे तो ये पिडलाइट वालों का है, पिडलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड वालों का प्रोडक्ट है ये, सेरा क्लीन के नाम से आता है ये, तो कहीं भी दुकान पे आपको इजीली मिल जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। इस डिब्बे में अभी मैंने करा है, तो इस डिब्बा जो था ये व्हाइट व्हाइट हो रहा था, हो जाता ना आपकी बाल्टी, इसमें क्या है कि टब वगैरह होते हैं ना जो आपके नहाने के बाद टब होते हैं, उसके अंदर वो व्हाइट व्हाइट उससे हो जाता है। तो आप उसको भी इससे देखो, ये देख सकते हो, देखो कैसे व्हाइट व्हाइट हो रहा है। अभी देखो नीचे नहीं हो रहा क्योंकि नीचे से अपना काम कर दिया, ये डिब्बा व्हाइट व्हाइट हो रहा था, बाल्टी हो जाती है ना पानी से, वो पानी से वो आ जाता है। देखो ये अपना काम कर रहा है, देख रहे हो जहां जहां मैं लेके जा रहा हूं इसे, ये व्हाइट व्हाइट होता हुआ जा रहा है, यानी कि ये डिब्बे की जो गंदगी है पूरी साफ कर रहा है ये देखो डिब्बे की पूरी गंदगी साफ कर रहा है। तो एक बार अगर डिब्बे को भी मैं साफ करके दिखा, पहले तो मैं दिखाया नहीं आपको, ये देखो एक बार मैं आपको, अब क्या ही अब तो दिखा नहीं पाऊंगा उसको क्या था, बट डिब्बा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। ये व्हाइट हो रहा था पूरा, जैसे जंग टाइप का आ जाता है इसके अंदर। यहां से देखो, ये देखो ये कैसा हो रहा है, ये सब साफ हो जाएगा अभी। ये देखो ये सब साफ हो गया यहां से, ये पूरा देख सकते हो कैसा है ये वाला, देखो ये देखो पूरा। अब इसको लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप ये देख सकते हो ये जो इसकी किनारी है टाइल्स की, ये कितनी गंदी हो रही है, और अब इसे लगाने के बाद देखना क्या होगा। ये देखो दिखाओ दिखाओ पास से दिखाओ, ये देखो पूरी साफ हो गई है, दिख रही है व्हाइट व्हाइट हो गई पूरी, ये पूरी साफ हो गई है, देखो आगे तक ब्रश से साफ हो जाएगी, ये देखो पूरी व्हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक, देखो ये पहले यहाँ से यहाँ तक देखो कितनी काली है ये,
अब ये ब्रश से मारी मैंने, ये देखो ये कैसे वाइट हो गई है पूरी, ये काम कर रहा है अपना। तो 5 मिनट डाल के इसको छोड़ देना है, ये देखो ये छोड़ दिया। 5 मिनट छोड़ने के बाद में आप इसको वॉश कर लेना है। ये वाली देख लो किनारी ये कैसी हो रही है अभी, ठीक है। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, ये ऐसे ब्रश मारना है यहाँ पर किनारियों में और ये पूरी क्लीन हो जाएगी। 5 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है इसे और उसके बाद कपड़ा मार देना है तो क्लीन हो जाएगी। अब ये किनारी देख सकते हो कैसे काली, कितनी गंदी हो रही है किनारी है। तो एक बार कपड़ा मार के इस पर और ये अप्लाई कर दो इसके अंदर। जैसे ही इसकी ये डलेगा तो ये अपना काम करने लगेगा, देखो कैसे ये बुलबुले छोड़ रहा है, ये तो पूरा क्लीन कर देगा इस तरीके से। आप ऐसे करके ब्रश ले लो और पूरी तरीके से इसको ऐसे मार दो, ऐसे करके किनारे इसके जितने भी हैं, और बहुत बेस्ट रिजल्ट आएंगे इसके। ये जो प्रोडक्ट है इसके लगाने के क्या फायदे हैं, क्योंकि आप इसको क्यों लें? आप एक आओ ये सोच रहे होगे कि मतलब तेजाब वगैरह भी वही काम करता है, ये भी वही करता है, बट तेजाब में क्या है कि ना, तेजाब उसकी जो स्मूथनेस होती है ना टाइल की और जो टब वगैरह की, वो स्मूथनेस बेकार कर देता है पूरी, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी होता है वो। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। मैंने बहुत प्रोडक्ट यूज करे इससे ज्यादा, और भी मार्केट से मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जो कि टाइल्स वगैरह मेरे घर में भी लगी है पूरे में और पत्थर वगैरह लगे हैं, तो इसी से ही मैं साफ करता हूँ। मैंने उन्हें भी यूज किया, कई अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मैंने देखे जो लोग दावा करते हैं कि वाकई में वो साफ करता है टाइल को, मैं उन्हें लेकर आया, बट मुझे उन पर मजा नहीं आया। मतलब हटाई नहीं उससे कुछ भी, जैसा था वैसा का वैसी रहा। बट मुझे, मैं शॉप पर गया, मुझे शॉप वाले ने रिकमेंड किया कि आप ये लेके जाओ, अगर अच्छा ना लगे तो वापस ही कर देना इसे। तो मैंने कहा कि शायद कुछ बात ही होगी जो वापस करने के लिए कह रहे, नहीं तो कौन दुकानदार कहता है वापस करने के लिए, सब सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट को लगे रहते हैं। तो मैं लेकर आया जब से इस प्रोडक्ट को, मैं 3-4 बार इस बोतल को ले आया अपने घर में। मतलब मेरे जितने भी किनारे वगैरह हैं, मेरे को टाइम मिलता है जब, तो मार देता हूँ उसके अंदर, नीचे फर्श हो गया। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये जो मुझे प्रोडक्ट पड़ा है, ये मुझे वैसे इसका 120 का प्राइस लिखा हुआ है, मुझे ये 110 रुपए में उन्होंने बोला था, तो मैंने क्या कहा कि 100 रुपीज में ले लिया है। तो अगर आपके आसपास भी इस तरीके का, आप देख लो, अगर आपके आसपास भी कोई इस तरीके का प्रोडक्ट है तो ये अपने घर आज ही ले आइए, और चुटकियों में मिनटों में अपने जो भी स्पोर्ट्स वगैरह है, जो डिब्बा था डिब्बे को भी मैंने रखा हुआ 5-10 मिनट के लिए, वो भी साफ हो रहा पूरी तरीके से। मतलब जो उसमें डिब्बे में बाल्टी में आ जाती है ना, जब हम नहाते वगैरह हैं तो बाल्टी में पानी छोड़ देते हैं तो काई वगैरह और वो वाइट वाइट सब आ जाता है, वो तो वो सब साफ कर दिया उसने उस डिब्बे उसने पूरे को। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसको भी। तो पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया है देख सकते हो, पूरा साफ हो गया है साइड से भी, अंदर अंदर इसके पूरा वाइट वाइट था, पूरा साफ हो गया है ये देखो, इधर से भी देख सकते हो, ये देखो ये भी कितना गंदा दिख रहा था, ये सारा साफ हो गया है। इसने क्या किया, जब वो लगाया है ना, तो लगाने के बाद में थोड़ी देर छोड़ा तो उसने जो सफ़े सफ़े जो इस पे था ना, वो ऐसे ही छोड़ दिया इसके ऊपर ही, और उसके बाद कपड़े से मैंने साफ कर दिया, पूरा साफ हो गया है। तो रिजल्ट तो आपने देख ही लिया। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक और कमेंट, शेयर वीडियो को जरूर करना ताकि ये वीडियो आगे तक पहुंच पाए लोगों तक, और जो इस वीडियो को वाकई में यूज लेना चाहता है उस तक ये वीडियो पहुंचे। अभी के लिए नमस्कार।